ते चरण पकड़ के बैठ गई। गुरु खाल करो मुझ दासी का, और बोली कि रबे भंजन शिव अलख निरंजन, मन खटका से विनाशी का। चरण पकड़ के बैठ गई, गुरु खाल करो मुझ दासी का। ब्राह्मण देवता आप कई जगहों पर गए मेरे लिए वर ढोने, लेकिन आपको वर मेरे लायक नहीं मिला। कहां जाने की बताती है कि कैलाश पर्वत पे जाना, के जगह बताने लगी पेड़ी कड़े में। घर जिसका जड़े आनंद भरा मास है, ऋषि महात्मा टोए जासे मिलता नहीं तलाश करे। एक बड़का बेटा शिव जी के घर जड़े सभी देवता वास करे। वही बैठ के रचे सृष्टि, वही बैठ के नाश करे। लता बीच में बहे गंगा, लता बीच में बहे गंगा, और जित बंधन जोड़ा जी का। वचन शिव अलख निरंजन, खटका से अविनाशी का। चरण पकड़ के बैठ गई, गुरु काल करो मुजदासी का। वचन शिव अलख निरंजन, खटका से अविनाशी का। सजनों बताते हैं कि जब ब्राह्मण नाई सतलोक विष्णु भगवान के पास गए, तो विष्णु भगवान ने साफ इनकार कर दिया कि ये तो उन्हीं के लिए बनी है। लेकिन फिर भी ब्राह्मण नाइयों ने इनकार कर दिया। गिरजा माता कहने लगी कि आप सभी जगहों पर गए, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जगह है, जो सबसे अच्छी जगह है, वही जगह है। पता चल जाएगा दूर तई के उदाहरण दूसरी कड़ी में कहने लगे। सतलोक से भी श्रेष्ठ है उड़ पावेंगे सब, सतलोक से भी श्रेष्ठ है उड़ पावेंगे सब। ठाट तने नाद बाजता सुने दूर ते, जागी मालम पाठ तने। अष्ट वसु और बावन भैरू बैठे पावे साठ तने। अष्ट वसु और बावन भैरू बैठे पावे साठ तने। अष्ट वसु और बावन भैरू बैठे पावे साठ तने। ये बिसवे बीस आठवी सिद्धि, बिसवे बीस आठवी सिद्धि लावे जोड़ा फांसी का। अविनाशी का, मेरा चरण पकड़ के बैठ गई।
घड़ी में बोला कि आपकी कह देना बोले तजाक कि गिरजा ने जन्म ले लिया है, आपकी सती ने जन्म ले लिया है, उसने भी लाना है सेवरा बांध के। तीसरी घड़ी में के बोला तेरी शक्ति ने जन्म ले लिया, तेरी शक्ति ने जन्म ले लिया, गिरजा ने कब लियावेगा भजन में बैठा खींच कपाली श्री राम कब गावेगा। तू डमरू बजा के नाच दिखावे, डमरू बजा के नाच दिखावे, कब श्री राम तू गावेगा। बेटी ऊपर वेद धार के उस गिरजा ने कब ब्यावेगा, देखूं तेरे बिना मैं क्यों कर देखूं, तेरा फेर नजारा कसी का मैं बंधन क्यों अलंधन रचने, तेरा खटका से अविनाशी का तेरा चरण पकड़ के बैठ गई गुरु प्यार करो मुझ दासी का मैं बंधन शिव अलंधन रचने, खटका से अविनाशी का हमारे आदरणीय दादा गुरुजी क्रमपाल शर्मा जी आपके बीच में स्टेज पे पहुंच चुके, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, बड़ जोरदार तालियों से। चौथी कड़ी में रागनी का निचोड़ कर भजन का मांगेराम जी ने क्या लिखा, तेरी शक्ति ना ले लिया तू क्यों आंडे भगवान टिक्का ले के चालिया आइए तू जान हिर मैं जानू के तू जाने तू ते जगत के श्यामी पर्दा कर रहा मेरे श्यामी ना ताने लक्ष्मी चंद जमाना छलका इतनी नानी मत थाने शिव शंभू कैलाशी का मैं बंधन शिव अलंधन रचने,